कोरोना काल में प्रवासियों को उनके घर भेजने का मुद्दा और उसमें आने वाली अड़चनों का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। साथ ही ये मुद्दा ऐसा है जिस पर राजनीति भी खुलकर हो रही है। कांग्रेस इस मामले को लगातार तूल देने की कोशिश कर रही है। अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में होने वाली मौतों पर ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजनीति करना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, श्रमिक ट्रेनों में 80 लोगों की मृत्यु हो गई, 40% ट्रेनें लेट चल रही हैं, कितनी ट्रेनें रास्ता भटक गई हैं, कई जगह यात्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार की तस्वीरें हैं। इस बीच रेल मंत्रालय का ये कहना कि कमजोर लोग ट्रेन में यात्रा ना करें चौंकाने वाला है। श्रमिक ट्रेनों के शुरू से उपेक्षा की गई, जबकि इस मौके पर श्रमिकों के साथ ज्यादा संवेदनशीलता के साथ काम लेना चाहिए। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी इस मुद्दे को लेकर रेलवे और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर उन्हें संवेदनहीन बताने की कोशिश करती दिखाई दी। तो रेल मंत्रालय ने भी प्रियंका को उनके ट्वीट का सटीक जवाब दिया। अपने जवाब में रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखा, निवेदन है कि कृपया तथ्यों को पहले जांच लें। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आम दिनों में चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेनों की तुलना में अधिक तेजी से चल रही हैं और सिर्फ कुछ दिन के लिए एक सेक्शन पर अधिक होने से कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया था, उसमें भी कोई ट्रेन भटकी नहीं थी। बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में श्रमिकों की मौत का सिलसिला थमा नहीं है। अब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में ही चलते हुए करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौतें 9 से 27 मई के बीच हुई हैं। इसके अलावा बीच में श्रमिक ट्रेनों के लेट होने और उनके रूट डाइवर्ट करने जैसी भी घटनाएं सामने आती रही हैं, जिस पर कांग्रेस महासचिव ने राजनीति करने की कोशिश की, खुद को श्रमिकों का हितैषी बताने और रेलवे को प्रवासियों की नजर में नकारात्मक दिखाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन रेलवे ने भी प्रियंका गांधी की इस रणनीति का उन्हें माकूल जवाब दिया। Thank you.